तो फेल गेम फैमिली, आज का एलिमिनेशन चेंबर मैच एक बार फिर से धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि एक तो बिल गोल्डबर्ग और गुंतर, जिनका भले ही रियल लाइफ में डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच अभी नहीं करवा रहे, लेकिन गेम के अंदर तो हम लोग करवा ही सकते हैं, आज ये दोनों है। और जैसा आपको याद होगा कि लास्ट एलिमिनेशन चेंबर मैच में लिवाइथन यानी कि बटिस्टा के ये जो पुराने वर्जन है, इनकी क्या ही परफॉर्मेंस थी। और इन तीनों के अलावा रोमन ओरिजिनल वाले ब्रॉक लेसनर और द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स भी है। तो चलिए देखते हैं कि आज का ये एलिमिनेशन चेंबर कौन जीतता है। और फिलहाल भी जब तक आज गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अपना काम जानते हो मेरे भाई, एकदम फटाक से वीडियो को लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और मैं ट्राई करूंगा कि इस हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे को लाइव हो रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर किंग्स फिनाले। याद है ना, भूल गया हो गया, कोई बात नहीं, फ्राइडे या सैटरडे को लाइव होगा। गुंथू को आते के साथ जैक हैमर टाटा मत करवा लेना गुंथू, हाँ, क्योंकि अभी बहुत बोला है रियल लाइफ में थोड़ा फाइट फाइट देखने मिले। भले बिल गोल्डबर्ग सर पूरे इरादे में आए स्क्वाश करने वाले, गुंथर ने बोला था कि आपके पास एक दो ही मूव है, गुंथर ने रिवर्स कर दिया, ऐसे इसमें सुपर फिनिशर नहीं है, गुंथर ने बहुत बोला था। मुझे लग रहा था कि मंडे नाइट रॉ में भाई बिल गोल्डबर्ग आएंगे कुछ स्पियर विस्पियर, लेकिन अभी टाइम है ना, सऊदी वाले इवेंट में ऐसे भी गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग तो होगा नहीं, गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स हो रहा है, जो कि मैच अच्छा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई ऐसे बेल्ट के लिए हो रहा है जो कि सिर्फ एक इवेंट में यूज होगा, उसके बाद वो बेल्ट फिर गायब हो जाएगा, अगले साल फिर नजर आएगा जब क्राउन ज्वेल हो गया तो, तभी ना। फिलहाल गुंथर के पास ओके रिवर्स हो गया, गुंथर का फिनिशर छिना गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 2K23 में मुझे लगा था कि गुंथर अच्छा खेलता है और इसमें अच्छा ही खेल रहा है, लेकिन इसमें बिल गोल्डबर्ग भी बुरा थोड़ी खेलते हैं, प्रॉब्लम ये है। रिवर्स ये भी कर रहा है, तीसरे नंबर पे लिवाइथन, थोड़ा और लेट से आना चाहिए था, क्योंकि लिवाइथन भले ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लास्ट टाइम तो एक नंबर से आके जीत गए थे। ओहो, बिल गोल्डबर्ग को आते के साथ लपेटा, आते के साथ एक बटिस्टा लिवाइथन बॉम्ब, बटिस्टा बॉम्ब नहीं, क्योंकि ये पुराने वाले बटिस्टा है। पिनफॉल पिनफॉल जाना तो नहीं चाहिए, रेजिलेंस जा सकती है शायद, रेजिलेंस भी नहीं गई। बिल गोल्डबर्ग सर ने अपनी रेजिलेंस बचाई भी है। गुंथू देख, मैं हमेशा बोलता था कि 2K23 में भाई तू बहुत अच्छा खेलता है, इसमें इज्जत रख लेना, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है करंट वाला, तो अगर इसमें भी तुरंत सबसे पहला एलिमिनेशन हुआ, हाँ ठीक है एक नंबर पे आयो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आतिक सात एलिमिनेशन गोल्डबर्ग सर करवाई के मानेंगे, ऐसे एक स्पीयर भी लगाते सर तब, अरे रिवर्स कर दिया इसने। देखा मैंने बोला ना, 2K23 में गुंथर अच्छा खेलता है, भले ही अब पहले एलिमिनेट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक खराब नहीं खेला। और ये ओके फिनिशर सिग्नेचर स्लीपर होल्ड इसका सिग्नेचर, मैं भूल गया था, टैप आउट तो नहीं करना चाहिए लिवाइथन को, चार वाले पता नहीं कौन आए, कौन निकला है भाई, नाम भी नहीं। ओ रोमन, तो ट्राइबल चीफ भी 2K23 में कुछ कम नहीं थे भाई, ट्राइबल चीफ तो जब से 2K22 आया तभी से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तब ने इतने इतने टाइम तक गद्दी बचा के रखा हुआ है, लेकिन ये 2K23 में और भी खतरनाक लोग हैं, जैसे एलिमिनेशन चेंबर में देख ही रहे हो, ब्रॉक भी है, एजी स्टाइल्स भी अच्छे ही है, और लिवाइथन तो एक नंबर से पिछले बार जीते थे, जो कि एलिमिनेशन चेंबर जीतना एक नंबर से मुश्किल है, वो भी लिवाइथन के पास रेजिलेंस तक नहीं है, पता नहीं क्या बहुत ही फाड़ू टाइप की परफॉर्मेंस दी थी लास्ट टाइम, याद है ना, रेफरी फंस गई बेचारी। और गुंथर का आई थिंक टाटा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एलिमिनेशन मुझे लग रहा है ना बिल गोल्डबर्ग सर का होगा, क्योंकि रोमन रेजिलेंस ले जा चुके हैं, एक गलती करोगे गोल्डबर्ग सर, स्पीयर वर्सेस स्पीयर हो रहा है, गुंथर टाटा करवा लिया, रे अच्छा खेला था गुंथर ने, लेकिन लिवाइथन ज्यादा बेटर है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, खास करके एजी स्टाइल्स ब्रॉक नेक्स्ट, भाई इन दोनों में से कोई पक्का विनर है, क्योंकि जो लास्ट और सेकंड लास्ट आता है ना वही जीतता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम तो लिवाइथन एक नंबर से जीते थे, तो ये वाला कैलकुलेशन हर बार काम नहीं आता है। गुंथू एलिमिनेट होके चला गया, गोल्डबर्ग सर करते तो और मजा आता है, एजे को आते के साथ एक स्पीयर से स्वागत कर दिया रोमन, रोमन पास ओके और फिनिशर नहीं है, लेसनर लास्ट में आ रहे, क्या लगता है लेसनर जीतेंगे, लास्ट में आएंगे तो ऐसे 60 सेकंड में आ रहे, बहुत ज्यादा भी लेट नहीं है। रोमन की भी तो हेल्थ देख लो एक बार, रोमन की भी ऑलमोस्ट फुली हेल्थ है, हाँ तो मतलब रोमन भी एक तरह से लास्ट ही में आए हैं, इतनी हेल्थ बचा के रखी है कि लग रहा है कि लास्ट ही में आए, नहीं फुल हेल्थ है, अभी तक किसी ने मारा भी नहीं है क्या रोमन को, एकाध पंच भी ओके, बटिस्टा का ध्यान चला गया और इसी के साथ एक DDT पर रोमन भी तैयार है, 0 फिनिशर है रोमन के पास, लिवाइथन ने दोनों फिनिशर रखा हुआ है, डबल टीम अप भी तोड़ दिया, चलो फाइनल सुपरस्टार आ रहे रोमन के साथ, डबल नहीं ट्रिपल टीम अप हुआ है, पहले बटिस्टा और एजी स्टाइल्स मारना चाह रहे थे वो नहीं मार पाए, तो पीछे से बिल गोल्डबर्ग सर ने जैक हैमर लगा दिया है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर की यही दिक्कत है ना, सर के पीछे भी आंख लगानी होगी, क्योंकि कहीं से भी अटैक हो सकता है, और हो गई, एजे ने अभी तक एक भी फिनिशर नहीं लगाया, एजे अच्छा खासा टाइम हो गया आए हुए, 2 मिनट तो लगभग हो ही गया, एक फिनिशर लगा देते बिल गोल्डबर्ग सर का टाटा हो सकता है, रोमन अगर बीच में नहीं आया, रोमन नहीं आया बीच में, चलो टैप आउट,
रेजिलेंस तो कब की जा चुकी, रोमन ले ही गए थे, टैप आउट कर देंगे मुझे लग रहा है। हाथ ज्यादा डैमेज नहीं, ओ तीन तीन स्पीयर वाले लोग, मैंने ध्यान अभी दिया जो बटिस्टा ने एक स्पीयर दिया और बिल्कुल बक्सर एलिमिनेट हो चुके हैं। रोमन की रेजिलेंस जाने वाली है, एक फिनिशर एक सिग्नेचर के बाद भी रोमन की अभी तक रेजिलेंस गई नहीं, लेकिन अब पिट गया है रोमन। ये वाला फिनिशर लगता है डेफिनेटली रेजिलेंस जाती, रोमन ने फिनिशर छीन लिया। चारों ही एक तरह से पोटेंशियल विनर है। नहीं लेवाइथन का फिर भी देख रहे हो, अच्छी खासा स्किल बचाई भाई, तीन नंबर पे आए थे लेवाइथन। अरे रोमन कांड कर दिया ब्रॉक के साथ, F5 लगा दिया। रोमन के पास मूव थीफ है, ऐसे ब्रॉक के पास भी मूव थीफ है। ब्रॉक अब बदला लोगे तो स्पीयर लगाओगे तब सब मानेंगे कि बदला लिया। ब्रॉक वो आकर के स्पीयर देंगे कितना डेंजरस लगेगा। और अब तो डेफिनेटली ये स्पीयर के बाद जाना है भाई रेजिलेंस। छह नंबर पे आए थे ब्रॉक लेसनर, रेजिलेंस जा सकती है लेकिन ब्रॉक बॉडी डैमेज नहीं है, रेजिलेंस यूज नहीं करना चाहिए था, गलती कर दिया ब्रॉक, बचा के रख सकते थे। लेकिन ब्रॉक के पास जैसा मैंने बोला नहीं कि मूव थीफ है, ब्रॉक रोमन से बदला ले सकते हैं। एजे को जो दिख रहा है ना उसको नॉर्मल वाला क्रॉस फेस सबमिशन लगा दे रहे हैं, ऐसे इससे ज्यादा कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन फायदा एजे को ये हो रहा है कि सामने वाला डैमेज हो जा रहा है। रोमन के पास नो सिग्नेचर नो फिनिशर, ब्रॉक के सारे फिनिशर क्या हुए? अच्छा एक तो बिल गोल्डबर्ग को लगाया था, एक और पता नहीं क्या हुआ। रोमन का नॉर्मल गिलिटीन, गिलिटीन और स्पीयर की बरसात कर दी है रोमन ने। लेकिन याद रखना कि जो लास्ट वाले को एलिमिनेट करेगा वही जीतेगा, तो कितने भी एलिमिनेशन करो कितना भी अच्छा खेलो डजंट मैटर, वो लास्ट में देखा जाएगा कि किसने ज्यादा अच्छा खेला है। ट्राइबल चीफ की बॉडी भी लाल हो गई है पर रेजिलेंस बचा के रखा हुआ है। लेकिन अगर रोमन का रेजिलेंस मीटर नहीं रहा और उस टाइम पे कोई फिनिशर दे के पिनफॉल करवा लेता है तब शायद पिनफॉल हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेवाइथन बहुत सही खेल रहे हैं, अगर एक और बार जीत गए ना, जो कि मुश्किल ही लग रहा है, पिट भी गए लेकिन अगर जीत गए तो भाई बहुत खतरनाक होगा। लेवाइथन थोड़ा संभल के, क्योंकि लग भी चाहिए जीतने के लिए, रोमन का ध्यान चला गया था लेवाइथन के ऊपर। रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये दुश्मनी तो भाई कभी खत्म नहीं होगी। ब्रॉक जब एक और बार रिटर्न आएंगे ना तो रोमन अभी फेस बने हुए हैं ना, तो रोमन वर्सेस ब्रॉक एक और बार हो जाएगा। भले ही WWE ने बोला था कि वो अरे ब्रॉक ने बदला ले लिया, तो मूव थीफ लगा के गिलिटीन लगा दिया, ऐसे स्पीयर देते तो और खतरनाक दिखता। ब्रॉक और रोमन ने एक दूसरे को कमजोर कर दिया है, दोनों ने एक दूसरे की रेजिलेंस खत्म करवा दी, यानी कि एजी और बटिस्टा के लिए आसानी करवा दी है दोनों ने, और हो सकता है कि एक आध आदमी एलिमिनेट भी हो जाए। और गए ब्रॉक लेसनर, लग तो रहा है पर ब्रॉक का हेड उतना डैमेज नहीं है, ब्रॉक बच सकते हो, बच जाएंगे, इतना देर टैप आउट नहीं किया, यानी टैप आउट नहीं करेंगे। अभी मुझे लगता है कि ब्रॉक थोड़ा और सर्वाइव कर जाएंगे, अगर हेड वेड पे डैमेज नहीं लिया तो। दोनों पक्का एक दूसरे के एलिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि एजे ओके फर्स्ट एलिमिनेशन एजे स्टाइल से करे, बटिस्टा क्या लगता है बचेंगे ना? बहुत कम चांस है, हेड लाल बॉडी येलो। ब्रॉक उधर फंसा के पिनफॉल कर रहे थे लेकिन रोमन ने पहले ही किक आउट कर दिया। फंसा के पिनफॉल से याद है रोमन ने रियल लाइफ में देखा था बैड ब्लड में नया मूव दिया, फंसा के पिनफॉल कर रहे थे सोलो का, वो अलग हुआ नहीं लेकिन अच्छा था, मुझे देखकर गेम की याद आ गई क्योंकि गेम में ऐसा करते हैं ज्यादातर लोग। रोमन टैप आउट नहीं करेंगे, नहीं, हाथ बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। ब्रॉक का कमूरा लॉक तभी काम आता है ना जब सामने वाले का हाथ थोड़ा सा डैमेज हो, फिर वो बहुत ज्यादा पिट गया हो, जैसे बिल गोल्डबर्ग ने टैप आउट कर दिया था तो वो पिट गए थे। इसलिए एजे स्टाइल्स अभी फायदे में, रेजिलेंस भी बची हुई है और अच्छी खासी हेल्थ भी बची हुई है एजे। ब्रॉक एलिमिनेट, एक और एलिमिनेशन एजे स्टाइल्स के नाम, अभी तो दो कर दिए एजे ने, और किया था क्या पता नहीं, ये दो तो अभी सामने देखा। रोमन के लिए दिक्कत है क्योंकि रोमन के पास रेजिलेंस भी नहीं है। रोमन और ब्रॉक दोनों ने एक दूसरे की रेजिलेंस खत्म करवाई थी, रोमन को जीतने के लिए पहले रेजिलेंस खत्म करनी होगी। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सबमिशन नहीं है, सिग्नेचर वाला गिलिटिन था। एजे रेजिलेंस यूज नहीं कर रहे हैं, एजे टैप आउट करने से अच्छा रेजिलेंस यूज कर लेना पहले। फिलहाल दोनों की हेल्थ लगभग सेम ही है, दोनों की बॉडी लाल हेड येलो, लेकिन जैसा मैंने बोला नहीं एजे स्टाइल्स अभी भी फायदे में। रोमन के पास दो फिनिशर है, क्या लग रहा है रोमन ये वाली जीत को ले पाएंगे या एजे स्टाइल्स आज मूड में है? अच्छा दोनों के पास दो दो फिनिशर भी है, कुछ भी हो सकता है। रोमन नॉर्मल मूव कितना भी यूज कर लो बिना फिनिशर के कांड नहीं होने वाला है। गिलिटी स्पीयर के लिए जा रहे रोमन, पीछे हट के सोचते रह गए रोमन, पीछे हट रहे थे, रेजिलेंस आती दोनों इक्वल पे आ जाते, लेकिन अब नहीं लगता किक आउट करेंगे रोमन क्योंकि बहुत ज्यादा पिट गया है और ये हेड ही डैमेज करता है। हेड ऑरेंज बॉडी लाल, चांस ना के बराबर है। आज का मैच द फिनोमिनल वन,
पुराने वाले एज है, सालसी पुराने वाले एज है, बाल देखा पुराने वाले एज है, जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत टाइम के बाद आज फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स जीते, वो भी तीन तीन एलिमिनेशन करके। तो आज तो भाई फिनोमिनल वन ओपी होना चाहिए, एजे ओपी होना चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ, जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।